YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। वन विभाग की कार्रवाई से त्रस्त बालूमाथ थाना क्षेत्र की बालूभंग से बुधवार को भारी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम कर विभागीय पदाधिकारियों को ऐसा न करने के लिए ग्रामीणों ने आगाह किया है। रैली के दौरान हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए ग्रामीण फॉरेस्टर और रेंजर होश में आओ, महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, रेंजर फॉरेस्टर को बर्खास्त करो आदि जोरदार नारे लगा रहे थे। रैली के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि विभाग द्वारा खाली ट्रैक्टरों को अकारण ही जब्त कर लिया जा रहा है, जबकि सूखी लकड़ियां लाए जाने पर महिलाओं से ज्यादती की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि विभागीय मिलीभगत से वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर है, उस पर सख्ती दिखलाने की बजाय वन विभाग द्वारा खाली ट्रैक्टरों को जब्त कर निर्दोष ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा लादा जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि विभाग अपनी कार्रवाई से बाज आए, नहीं तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सभा को भाजपा जिलाध्यक्ष अमित लाल सादे के अलावे फूलचंद गंज और कामेश्वर भगत आदि ने भी संबोधित किया। इस क्षेत्र में जो अनावश्यक वन विभाग के फॉरेस्टर रेंजर जो यहाँ के आम ग्रामीण के और रास्ता चलते खलिया ट्रैक्टर को पकड़ के जो ले गए और केस जब पूछे जाने पर वहाँ कह दिए कि केस करके हम भेज दिए, और सूखा लकड़ी लाने के यहाँ महिलाओं जब सूखा लकड़ी जंगल जाते हैं जलावन के लिए लाने उसमें भी परेशान करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ डराव धमकी टांगी जो कुल्हाड़ी है उसको ले जा लूट के ले जाना, ये बहुत निंदनीय है। विगत शुक्रवार को है ना रेंजर फॉर सो चलती ट्रैक्टर को अपना ईंटा बालू कर रहा था, उसको खलिया ट्रैक्टर वो बालू लाने के लिए ईंटा लाने के लिए जा रहा था, इस पर है सो वो है सो पत्थर ढोने के कहा कि पत्थर तुम ढोता, इसके लिए लेकर वो खलिया ट्रैक्टर को ले गया बालू मार बारिया तो टी ओ पी में, जबकि हम लोगों ने उनसे बात किया कि ये खलिया ट्रैक्टर है जो रेंजर फॉरेस्टर कहाँ है, वो कहाँ सुता हुआ था, क्योंकि सरकार उसको ड्यूटी दी है कि हमारा वन क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्थर का है जंगल का है अवैध कटाव अवैध तोड़ाव नहीं हो है ना, तो उसमें इस खुद संलिप्त हैं। अगर देखा जाए अगर जंगल क्षेत्र में तो रहता है कोई ट्रैक्टर को नहीं पकड़ता ही लोग है ना, हमारा कहना है कि जब खलिया ट्रैक्टर को छोड़ा जाए, अगर खलिया ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाएगा तो यह तो आज गांव और पंचायत स्तर में आंदोलन है, इसको हम मुख्यमंत्री तक सीसीएफ तक जाएंगे, मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक हम लोग मिलेंगे, यह एकदम निश्चित रूप से संलिप्तता है, क्योंकि सरकार उसको 24 घंटा ड्यूटी दी है, आखिर उनके ड्यूटी के अंदर ही अगर खनन उनके क्षेत्र से निकलता है तो उनके निगरानी में जाता है,